नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। और देखिए दोस्तों, ये हमारी अडेनियम की कुछ सीडलिंग्स जो कि मेरे इंडोर गार्डन पर रखी हुई थी, उनको दोस्तों मैं ला करके यहाँ रख दिया था। और आप देख सकते हो दोस्तों कितनी खूबसूरत लग रही हैं। एक ये है और एक ये है, देखिए। और मैं आपको कुछ अपने अडेनियम दिखाता हूँ कि जो क्या हाल हुआ है। तो एक देखिए दोस्तों, ये मैंने निकाल कर फेंका हुआ है, देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों कितना कॉम्पैक्ट था मेरा। सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट जिसको मैंने बनाया था वही दोस्तों रॉट हुआ है। और एक और था जिसको मैंने सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाया था, तो वो भी दोस्तों मेरा पूरा रॉट हो गया है। देखिए, मैंने इसको कल ही देखा और निकाल करके देखा कि ये देखिए, ये पूरा का पूरा बिल्कुल रॉट हो चुका है। ऊपर की थोड़ी थोड़ी ब्रांचेज बची हैं, उनको अभी कोई मतलब नहीं है लगाने का, वो भी धीरे धीरे करके रॉट ही हो जाएंगी। तो इसीलिए देखिए दोस्तों, मैं एक चाकू लेकर के आया हूँ और इस पर देखेंगे कहीं कुछ अगर थोड़ा बहुत रॉटिंग होती है तो अपने सारे प्लांट्स को हम देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एक रखा हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा दबा कर देख चेक करते हैं कि क्या हाल है। अभी तो सही है फिलहाल, हाल फिलहाल में ये सही है। और इसकी देखिए दोस्तों, यहाँ से ये ब्रांच रॉट हो गई, ये देखिए ये ब्रांच रॉट हो गई। एक ये ब्रांच देखिए, इसकी ये ब्रांच कर रहा हूँ सॉरी, रूट इसकी रॉट हो गई, ये रॉट हो गई। इसको मैं घुमा करके देखता हूँ कहाँ से कौन सी रॉट हुई है। तो चलिए, इनको मैंने समय रहते देख लिया तो ये बच गए। और ऐसे ही दोस्तों प्लांट्स रॉट हो जाते हैं। और ये है दोस्तों कैरेमल, और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लांट होता है। हालांकि दोस्तों मेरा तो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, साइड ब्रांचेज नहीं निकाल रहा है। देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हमें कुछ ना कुछ तो देखिए करना ही पड़ेगा इस पर। मैंने कुछ देखिए यहाँ पर बेल लगाई थी फ्लावरिंग वाली, तो ये नहीं चली हैं। और यह इस बार दोस्तों मेरे गार्डन पर बहुत ज़्यादा घास उगी है। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ सारे प्लांट्स हैं, सब घास निकाल देनी है। और ये देखिए, ये कुछ बिग प्लांट्स हैं। बिग प्लांट्स की दोस्तों जितनी भी लीव्स येलो हो जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे देखिए, कुछ ये ऐसे अगर आपकी जो है लीव्स अगर ब्लैक हो जाती हैं ना, तो उनको निकाल दीजिएगा, क्योंकि यही दोस्तों फिर आगे चल के रॉटिंग का प्रॉब्लम कर देती हैं। यही लीव्स सड़ने लगती हैं ब्रांचेज पर, और वही जो है एक ये देखिए दोस्तों, ये मेरा ये काफ़ी अच्छा बड़ा प्लांट है। मैं दिखाता हूँ, देखिए अगर ऐसे दिखाऊं, ये देखिए काफ़ी बड़ा प्लांट है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेरी सारी सीडलिंग्स रखी हुई हैं, और ये तीन अरेबिका मैंने परचेज किए थे वो रखे हुए हैं यहाँ पर सारी। ये दोस्तों ये सारी सीडलिंग्स रखी हुई हैं जिनको जिन पर जो है ग्राफ्ट करना होगा, अभी तो काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, एक ये दो ओबेसम रखे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एक मेरा क्रिस्पम रखा हुआ है। ये देखिए, ये क्रिस्पम रखा हुआ है, घास के पूरा बिल्कुल बीचों बीच में हो गया, मुझे इसकी घास भी निकालनी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ये अरेबिकम रखा हुआ है, और इसमें काफ़ी अच्छी ब्रांचेस चल रही हैं। एक यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इस पर ही वो वाला प्लांट था, इस पर ही प्लांट था दोस्तों। इसका सॉयल मीडिया भी मैंने बहुत अच्छा बनाया था, पर पता नहीं कैसे दोस्तों इस पर रॉटिंग हो गई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इस पर मैंने क्या गलती करी होगी। और ये देखिए कितनी ढीली, देखिए ये देखिए कितनी लूज सॉयल थी, लेकिन शायद इनकी वजह से मुझे रॉटिंग देखने को मिली होगी। तो इस वजह से जितनी भी वीड हो, घास हो, वो सब टाइम टू टाइम निकालते रहिए। अगर आप वीड घास नहीं निकालेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए अक्सर मिल जाएगी। वीड अपने प्लांट्स की ज़रूर निकालते रहिए, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास इतने सारे प्लांट्स हैं तो वीड निकालना भी दोस्तों एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे कुछ स्वाइजिकम थे जिनको मैंने खुद से ग्राफ्ट किया था, और इनकी रिपोर्टिंग की वीडियो भी, इनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, तो मैंने इनको ला करके यहाँ पर रख दिया। अब इनकी जो ग्रोथ है वो मुझे अच्छी दिख रही है। और इस पर तो देखिए, ये शायद पिंक स्वेजिकम है, और इस पर फ्लावरिंग भी आ रही है, देखेंगे कौन सा कलर आता है। और घास निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक ये मेरा ओबेसम है,
और इस ओबिसम के नीचे से इस पर दीमक लग रही है। ओहो, तो मुझे दोस्तों इस पर इन सभी में इंसेक्टिसाइड मुझे डालना ही डालना पड़ेगा। अगर मैं इन सभी में इंसेक्टिसाइड अगर नहीं प्रयोग करूँगा ना, तो मेरे सारे के सारे दोस्तों प्लांट ख़राब हो जाएंगे। और इसमें भी देखिए सेम प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, इसमें भी देखिए नीचे से दीमक पकड़ रही है। और ये प्लांट को हम दबा कर एक बार चेक करते हैं। अभी तो फिलहाल में सही है, इसकी लोकेशन हम चेंज कर देते हैं। ये देखिए इसकी लोकेशन चेंज कर देंगे। और सेम देखिए, मैं पहले अपने DHA देख लेता हूँ। ये मेरे DHA, और DHA बाबा की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। नीचे से इसमें रूट्स भी आ रही हैं। इसको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। ये देखिए जितने भी, और DHA में तो दोस्तों सबसे ज़्यादा रॉटिंग की प्रॉब्लम आती है कि आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। अगर इस प्लांट की दोस्तों आप मुझे प्राइस आप देखिए, इसमें देखिए कितनी सारी चींटियाँ हैं, और यही चींटियाँ ही दोस्तों इसका जो है सब कुछ ख़राब कर देती हैं। तो मुझे इन सब में इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप में जो भी अडेनियम लवर हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये DHA प्लांट है, 8 इंच के पॉट पर लगा हुआ है, इसकी साइज़ देख लीजिए, और दोस्तों इसके प्राइस आप क्या जो सिलेक्ट करेंगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इधर साइड देखिए, ये दो दोस्तों मेरे नए स्वेजिकम हैं, और पता नहीं इसकी ब्राइटनेस कैसे दोस्तों ज़्यादा हो जा रही है। ये दो मेरे दोस्तों नए स्वेजिकम हैं, और इनको मुझे प्रून भी करना है कॉम्पैक्ट करने के लिए। ये देखिए ऐसे ही लटकते चले जा रहे हैं, यहाँ की एक साइड ब्रांच इसकी टूट गई है। तो इसके दोस्तों जितनी भी पुरानी लीव्स हैं वो सभी पॉट से निकालते जाइए। एक यहाँ पर ये अरेबिकम रखा है, इसकी भी पॉट चेंज कर दें। लोकेशन चेंज करो भाई, सब में चीटी हो गई हैं, और सभी में सेम प्रॉब्लम आ रही है। एक यहाँ पर दो देखिए दोस्तों मेरे ये लॉन्ग वेराइटी रखी हुई है, ओबिसम ये लंबे हो गए थे तो मैंने इनको लंबे ही लगा दिया है। इधर साइड मैंने अपनी कुछ सीडलिंग्स रखी हुई हैं, और ये सीडलिंग्स दोस्तों सेल के लिए नहीं है, ये खुद का कलेक्शन है मेरा। तो देखिए ये देखिए, और इनकी ID का पता नहीं है, ID मिस हो गई। एक ये है BSF, और इसका भी देखेंगे नाम पूरा देखेंगे क्या है। एक यहाँ पर है तो इस का भी देखा जाएगा, और एक यहाँ पे देखिए ये है प्लेरी क्यू, और इसका एक ये वाला पार्ट तो जाएगा ही जाएगा, ये छोटा सर्वाइव नहीं करेगा, बड़े बड़े हैं ये, सही चल रहे हैं। थोड़ी कॉम्पैक्टनेस भी आ रही है, इनको मुझे रिपोर्ट भी करना है। ये ये हाइब्रिड हैं अरेबिकम। इधर फिर देखिए ऐसे ये भी रखे हुए हैं, और इनके जो स्टीकर होते हैं ना दोस्तों, उनको जो है चिड़िया निकाल ले जाती हैं अपने घोंसला बनाने के लिए मटेरियल पे। इधर साइड ही सारे रोजेज हैं। तो इधर साइड भी देखिए मेरे कुछ ये दबे हुए हैं, ये देखिए कुछ कॉम्पैक्ट दबे हुए हैं। एक ये देखिए, एक ये दबा हुआ है, तो इसका भी दबा करके चेक करते हैं, नहीं सही है अभी तो इसको भी थोड़ा बहुत खिसका देते हैं इधर उधर। और नीचे साइड पर कुछ रखा हुआ है, देखते हैं क्या रखा है। ये देखिए ये एक रखा हुआ था, और यहाँ पर देखिए घास में यहाँ पर भी रखे हुए हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा खिसका देते हैं। इनका कोडेक्स चेक करते हैं, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपको दोस्तों इस टाइम पर जितने भी आपके अडेनियम्स हों उन सभी को चेक करते रहिए। और मेरे पास तो देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई है, और घास का दोस्तों मैं अब कुछ दिन में हर्बिसाइड लाऊँगा, और इन सारे प्लांट्स को हटा करके पूरे में हर्बिसाइड एक बार डाल दूंगा, तो पूरी पूरी घास सूख जाएगी, और जब फिर धूप आएगा तो फिर मैं उठाकर सीधे आग लगा दूंगा, तो पूरा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये चीज़ आप अपने अडेनियम्स की केयर करते रहिए। और इस टाइम पे दोस्तों आप सबसे पहले इंसेक्टिसाइड, आपके जितने भी प्लांट्स हों उन सभी में इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए। बिना इंसेक्टिसाइड के कोई भी उसमें काम मत करिएगा, फर्टिलाइज़र वगैरह मत दीजिएगा, और पहले आप इस सभी में इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद ही सब कुछ करिए। तो होप दोस्तों आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन जोड़ दो भाई। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय।